कभी जुल्फों से खेलती तो कभी नखरे दिखाती, कभी पल्लू पकड़कर इठलाती तो कभी झूम झूम कर बतियाती। भई आज तो रजनीकांत का अंदाज ही अनोखा हो गया है। उसके चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल सब बदला बदला नजर आ रहा है। सास बहू और बेटियां जब पहुंचा लाइफ ओके के सीरियल बहू हमारी रजनीकांत के सेट पर, तो वहां रजनी बन गई है अपने ही घर की नौकरानी और हू बहू उतार रही है अपनी ही नौकरानी ऐश्वर्या की नकल। नमस्कार, मैं आपके नए भाई रजनी। क्या आपके लिए कुछ लगा हो क्या? आज मैं ऐश्वर्या बनी हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आया, बिकॉज कितनी बार जब मेरी को एक्टर ऐश्वर्या, जो जिनका नाम है अनोखी, जब वो एक्टिंग कर रही होती ना, मुझे इतना मज़ा आता है उनको देखने में। तो आज और कभी काफ़ी बार मैं भी बोलती हूँ, मैं बोला यार ऐसे बोलना है, कितना मस्त है, तो आज मुझे करने मिल रहा है, तो आई एम तो वेरी हैप्पी। भाई जब बहू ही रोबोट हो तो घर में ऐसे ऐसे कारनामे तो होंगे ही, पर एक बात तो बताइए रजनी, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको अपने ही घर की नौकरानी बनना पड़ा? रजनी इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर वर्क, जो भी उन्हें काम दे दे तो उन्हें काम ही नहीं मिल रहा कहीं पर। तब सुरीली उन्हें चुनौती देती है कि मेरे पास एक काम है, अगर तुमको करना है रजनी, तो वो सोच लेती है कि ओके नो प्रॉब्लम, क्या है काम मम्मी जी? तो वो बोलती है हमको पाई चाहिए। तो पाई का जैसे वो स्कैन करती है तो ऐश्वर्या सामने आती है। भाई मानना पड़ेगा रजनी आपको और आपकी नकल को, क्या कॉपी की है आपने अपनी नौकरानी की। वैसे घर की नौकरानी बनने के पीछे असल वजह तो उनके देवर ज्ञान है, जिन्हें वो घर में वापस एंट्री दिलवाना चाहती हैं। अब इस काम में रजनी कितनी सफल होंगी ये देखना दिलचस्प होगा। पूजा त्रिवेदी, मुंबई आज तक।